एक तो मैं काफ़ी काफ़ी सालों बाद एक स्कूल में आया हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एकदम से बच्चों से बात करने से पहले मुझे बहुत नर्वसनेस फील हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग बच्चे इतने एजुकेटेड हैं, उनको आज पता है ये सब क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके सॉल्यूशंस उनके पास हैं, एंड द एंथुजियाज्म। और मेरा ये मानना है कि आप आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया एक्टिविज्म हो रही है, लाइक कर लो, शेयर कर लो, रीट्वीट कर दो तो तुम्हारा काम हो गया, पर वो एक्चुअली में काम करता कौन है जाके। इसलिए मुझे अफरोज़ बहुत पसंद है और बहुत टाइम से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि वो एक ऐसा इंसान है जो खुद जाके अपने हाथ से करता है, एक डिफरेंस मेक करता है, ना कि घर बैठ के हाँ कि ये किसी और का काम है, मैंने शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे तो मेरा काम ख़त्म हो गया। और वो इंस्पिरेशन हर बहुत स्कूलों में जाके अफरोज़ करता है, बहुत जगह जाके करता है। तो आई थिंक जो एक इसने खुद ने एक आई एम अफरोज़ जो इसने एक वो चलाया था, वो अभी इतना मोमेंटम पकड़ गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्कूलों में लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं वही हमारा फ्यूचर है, वही आगे बड़े होकर अपनी हैबिट्स और अपनी इंस्पिरेशन ऐसी रखेंगे। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड विद योर एज अ स्कूल। आई थिंक देयर इन्वॉल्वमेंट बाय देयर कमिटी, बाय देयर प्रिंसिपल्स, बाय देयर टीचर्स एंड देयर स्टूडेंट्स इज़ अमेजिंग, एंड आई थिंक अदर स्कूल्स शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ दिस बुक एंड इन्वॉल्व चिल्ड्रन, बिकॉज वंस दे गो क्लीन इट बाय देयर हैंड्स दे विल रियलाइज what they and their parents and everybody around them is doing to the planet, and they will be more careful.